एथिक्स और इंटीग्रिटी का बिजनेस में महत्व के बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए, एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक्स मतलब कुछ उसूल, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। कि भाई, आप जब बिजनेस में हो तब आप एथिकली बिजनेस करते हैं क्या? ऐसा कैश में बिजनेस करना, जब आप कैश में बिजनेस करते हो इसका मतलब आप नंबर दो में माल खरीदते हो, नंबर दो में माल बेचते हो, उसमें GST की चोरी होती है, एक्साइज की चोरी होती है, जो भी टैक्सेस की चोरी होती है, इनकम टैक्स की चोरी होती है, फिर वैसे ही आप ऑनेस्टी से करते हैं क्या? व्यवहार ट्रुथफुल है क्या? ट्रांसपेरेंसी है क्या? क्योंकि यदि नहीं है तो लंबी रेस का घोड़ा कभी नहीं हो सकता है। आपका बिजनेस चौपट होने में कुछ समय लगेगा नहीं, क्योंकि लोगों को मालूम पड़ता है कि यहाँ एथिक्स से काम होता नहीं है। जब कैश में बिजनेस करते हैं तो हमको घर वाले ही लोग रखना पड़ता है, सिस्टम क्रिएट नहीं कर सकते, हमको खुद को गले पे बैठना पड़ेगा, रिश्तेदारों को गले पे बैठाना पड़ेगा, और रिश्तेदार भी टाइम पड़े तो वहाँ अपना हाथ मार देगा, तो हरदम ये डर रहेगा, डरा डरा सा इंसान। एक हमारे बिजनेसमैन है, काफ़ी बड़ा बिजनेस है, मगर वो बोलते हैं कि मुझे नींद बराबर नहीं आती है, क्योंकि हमेशा डर लगा रहता है कि रेड पड़ेगा, चोरी पकड़े जाएंगी। पैसा तो बहुत कमा लेते हैं मगर इधर BP बढ़ गया है, डायबिटीज़ हुआ है, तो ये प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। वैसे इंटीग्रिटी का है, इंटीग्रिटी मतलब डूइंग व्हाट यू सेड यू वुड डू, जो आपने बोला वो करो, जो आपने प्रॉमिस दिया है वो करो। तो जो आप प्रॉमिस देते हैं, जो आप बोलते हैं, जो आपने वचन दिया है, जैसा बोला है वैसा आप करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बिजनेस में महत्व का रहता है, क्योंकि बिजनेस जबान के ऊपर चलता है। इंटीग्रिटी का दूसरा ये होता है कि जो समय पे बोला आप समय पे करते हो, समय बहुत महत्व का रहता है इंटीग्रिटी में या बिजनेस में। तीसरा है रीच इन टाइम एवरी टाइम, हर समय जब जहाँ आप पहुँचते हो वहाँ आप समय पे पहुँचते हो, और वो समय पे पहुँच जाके वहाँ बराबर आप काम करते हो। चौथा है जो आपने शुरुआत की है उसको पूरा करो, उसको ख़त्म करो। हम आरंभ शुरू रहते हैं, शुरुआत तो कर देते हैं बड़े ताव से, और बाद में उसको पूरा करते नहीं है, छोड़ देते हैं आधा अधूरा, तो आरंभ शुरूता काम की नहीं रहती है। और आप थैंक यू और प्लीज़ जब बोलते हो, थैंक यू एंड प्लीज़ का इस्तेमाल करते हो, तो वो बहुत महत्व का होता है आपके बिजनेस में। तो ये उसूल, ये रूल्स, ये इंटीग्रिटी का पालन आप बिजनेस में करते हैं तो डेफिनेटली आपका बिजनेस एक नए लेवल पे, एक नए ऊंचाई पे चले जाएगा। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।